फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राजस्थानी हाउसवाइफ व्लॉग्स। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने ये प्योर की पोशाक पहनी है। पोशाक नहीं, नॉर्मल ड्रेस है ये, बंदेज में। और आज होएगा मायरा, तो मायरा में देखने जाना। और मेरा सामान इतना फैला हुआ है ना इस रूम में, ये देखो मैंने ये सारे अभी ऐसे निकाल के रखे हैं थैले, ये सारे मुझे पैक करने। और मैं जब भी मायके आती हूँ मुझे ये अलमारी मिलती है पूरी। तो इस अलमारी का सीन बताती हूँ आपको। देखिए ये सारे मेरे कपड़े जो ऐसे उल्टे सीधे भरे हुए हैं, ये सारे संभाल के मुझे अच्छे से समेट के तय करना है, बैग में रखना है, क्योंकि मुझे बारात के साथ ही जाना है वापस। क्योंकि बारात में ससुर जी आएंगे, बारात मेरे ससुराल से ही आएगी, क्योंकि मेरी सिस्टर मेरे ससुराल ही जा रही है। तो देखो इतने सारे मेरे कपड़े, और ये इस खाने में कपड़े हैं ना वो मेरे यही रहते हैं, लोअर टी शर्ट वगैरह जब मैं यहाँ आती तो पहन लेती हूँ और यही छोड़ के जाती हूँ, लेके नहीं जाती हूँ। तो ये अलमारी मेरी है। और इसके अलावा भी मेरे कपड़े दूसरी मम्मी की अलमारी में भी हो सकते हैं, कन्नू की अलमारी में भी हो सकते हैं, तो उधर भी देख लेती हूँ। और क्या स्टोर में भी होंगे मेरे कपड़े। और ये बर्तन वगैरह निकाले हुए हैं, मतलब जो कल बंदोले वाले, जो बाकी तो छोटे छोटे बर्तन रख दिए, कुछ बर्तन है ऊपर वहाँ पे रखेंगे। ये देखो ये ऐसे खुलता है ऊपर से, इसमें कॉस्मेटिक सामान है, जो जो मैंने पहने या ज्वेलरी वगैरह, तो वो बताती हूँ कैसे नीचे गिर जाएगा। ये सारे चूड़े मेरे हैं, जैसे जैसे मैंने पहने पीछे डाले हुए, इधर डाले हुए। और ये देखो बैंगल्स, कड़े वगैरह, इयर रिंग्स, ये सारे सामान मेरे पूरी में भरे, मैंने ऊपर तक डब्बे रखे हुए। ये सारा सेट करूँगी अभी। और ये थोड़ा मैंने आपको बताया ना, उस दिन मैं इच्छा पूर्ण वाला जी से देखी थी, तब लाई थी। ये देखो तीन मम्मी ने दिलाए थे मुझे, तीन, एक मेरे लिए, एक मम्मी मेरे सासू जी के लिए और एक मेरी काकी सासू जी के लिए। तो ये तीन चूड़े हैं मेरे, लगभग इस अलमारी में सारा सामान मेरा ही है। तो मैं फटाफट पैक करती हूँ। फ्रेंड्स इस बार ये ना सेकंड मायरा है, तो मतलब कम लोग आए हैं, वरना फर्स्ट मायरा होता था तब हम लोगों में ज़्यादा मेहमान आते हैं, मतलब चाची के भाई वगैरह आए थे, तो इस बार ही कम गेस्ट आए हैं। मायरा के कपड़े लेके आए हैं अंदर, ये है अशोक भाई। सबके कपड़ों पे नाम होता है, जिनका नाम होगा वैसे ले लेंगे। कौन है? अरे लो पगे लागो मारे ये मेरे छोटे भाभी सब मेरे पगे लाग गए, खुश रहो। ये दादी सासू जी का बेस नहीं, सासू जी है, दादी सासू जी कट है, सासू जी के बेस मायरे में। तो फ्रेंड्स फर्स्ट मायरा होता है तो पूरी फैमिली के कपड़े आते हैं, मतलब हमारे तीनों दादाजी की फैमिली के कपड़े आते हैं। तो इस बार सिर्फ एक ही दादाजी के परिवार के कपड़े आए, मतलब कि मेरे बड़े दादाजी के चार बेटे हैं, दो बेटियां उनके आए हैं और उनकी बहुओं के आए हैं, और मेरे दादी सा और जो छोटे दादी सा है उनकी बहस आए। तो मतलब बाकी हम लोगों के, मेरी बुआ के इतना नहीं आता। फर्स्ट मायरे में जितने भी होते हैं ना छोटे मोटे, किसी को भी पीछे नहीं छोड़ते, सबके आता है। और लड़कों को तो सीख होती है, कंबल वगैरह देते हैं हमारे, पैसे और देते हैं, बहुओं के, बेटियों के, पोतों के, बहुओं के, वो सब के ये बेस आते हैं और सब पे नाम लगे होते हैं, तो जिन जिन का होता है वैसे वैसे दे देते हैं। एक बार दही जो आवाज ये मामा की तरफ से ड्रेस आई है, ये फेरों की ड्रेस है जो मामा के घर की होती है, ये पहनेंगी मोनिका फेरों के टाइम।
चाची के परिवार की तरफ से ड्रेसेस आई है चाची के लिए, क्योंकि ये सेकंड मायरा है, बड़े माय पहला मायरा भर चुके हैं तो उसमें ज़्यादा होता है, ये इसमें छोटा कम रखते हैं थोड़ा। क्या क्या देखो बिंटी दो जोड़ी पहले पहनी है मैंने ये स्वेटर, अब थोड़ी इसकी जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे अलग ज्यादातर मम्मी के स्वेटर पहनती हूँ, जब भी आती हूँ मम्मी के कपड़े तो मम्मी के आते नहीं, स्वेटर वगैरह मैं मम्मी के पहन लेती हूँ, तो मैं तो अपना ऐसे भार उठा के लाई। और ये जैकेट तो मैंने फिर भी काफ़ी बार पहना है यहाँ आने के बाद, चिकू के बहुत कपड़े हैं सर्दियों के तो वो मैं तय कर देती हूँ फटाफट। और आज मेहंदी है, बड़ी बंदोली है, मायरा हो चुका है, तो पूरे दिन आना जाना रहेगा, पहले बीच में बंदोले में खाना खा के भी आना है। और आज चिकू के पापा भी आएंगे, चिकू आज तेरे पापा आएंगे, ओहो चिकू नाच, आज चिकू के पापा आएंगे। फ्रेंड्स अभी जिस सिस्टर की शादी है उसके घर से हमें कपड़े पहले ही दे दिए, क्योंकि फिर बहन बेटियाँ होती हैं वो फिर जल्दी में रवाना हो जाते हैं तो किसी के पीछे रह जाते हैं, तो मैंने ये कलर पसंद किया है, भाई साहब वगैरह अपने ले ली। और ये देखो इसका लाइट कलर का लहंगा है, लाइट फिरोजी, और ये डबल कलर में ओढ़नी है, और देखिए कॉटन की ड्रेस है ये वाली, तो ये मैं फटाफट डाल के रख देती हूँ अंदर, ये पहले वाली शादी की लग रही है तेरी, खड़ा होना एक बार। ओहो हेलो फ्रेंड्स को देख, बार कैसे हो, कपड़े कपड़े और कपड़े कपड़े अच्छे लग बातें आ रही है बेटे, हाँ जूते पहन रहा हूँ, जूते चिकू बोल रहा जूते पहन रहा हूँ, और बोल अभी हम खाना खाने जा रहे हैं बंदोले में, बंदोले में क्यूटी बॉय हैं हैं, चलो चलो। तो फ्रेंड्स ये मेहंदी लगाने वाले आए थे बाहर से, जो पिछली शादी में रेखा के लगाने आए थे ना वही लड़कियाँ, और एक लड़की है और एक आंटी जी है, वो दोनों आए थे, जो मेहंदी बहुत ही सुंदर लगाते हैं, पर रेट उनकी फिक्स है, वो मतलब बोलते हैं तब भी कम नहीं करते कि हमारे इतने सावे आए हुए हैं, क्योंकि इस टाइम सीजन भी होता है, क्योंकि शादियाँ एक साथ में ही होती है अक्सर, तो सावों की वजह से फिर उनके भी भाव बढ़े हुए होते हैं, पर 5,000 लेते हैं और साथ में किराया भी लेते हैं, क्योंकि वो गांव में आते हैं तो फिर बस में आते हैं तो उसका किराया भी लेते हैं, मेहंदी के कोण के पैसे भी अलग से लेते हैं। पर डिज़ाइन बहुत सुंदर बना है, एक हाथ में दूल्हा बनाया, एक हाथ में दुल्हन बनाई है, और मतलब बहुत सुंदर इनका कोण की मेहंदी है ना, वो रचती भी बहुत अच्छी है, क्योंकि रेखा की मेहंदी बहुत अच्छी रची थी। फ्रेंड्स दुल्हन मेहंदी लगवा रही है, पास में चाची बहनें फ्रेंड्स सब बैठे हैं दुल्हन के, और सब अपनी अपनी राय देते हैं उसके ऐसी लगी, जिस जिसकी मेहंदी शादी होती है उसकी मेहंदी कैसी कैसी लगती है, तो सबका डिस्कस होता है। और ये मैंने जो अभी जूम करके फ़ोटो बताई है, ये मोनिका के बड़े भैया और भाभी है, तो इनकी फ़ोटो फैमिली फ़ोटो भी नीचे लगी हुई है। बताओ बताओ कितना लिया थी मेहंदी ना, रुको मैं दिखाऊंगी, मैं भी वायरल हो जाऊंगी, देखो इतना सारा, अच्छा इतना सारा। तो ये डूंगरगढ़ से आए थे मेहंदी लगाने के लिए, और पूरी मेहंदी लगा के जा रहे हैं अभी, और हमारी मेहंदी देखो ना बहुत सुंदर है, देखो ये तो हमारी है ही सुंदर है, इनके बिना काम नहीं चलता भाई, काकी सखल आगे आगे लग गई, लारी लग गई दोनों साइड, अच्छा थोड़ी थोड़ी दोनों साइड लगा दी। हाँ फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ पे मेहंदी की डेकोरेशन हो गई है, कलर अलग आ रहा है, ये बिल्कुल मेहंदी मेहंदी वाला कलर है, वो डार्क ग्रीन वाला कलर नहीं है। हेलो फ्रेंड्स तो मैं हो गई हूँ मेहंदी के लिए रेडी, और बस ग्रीन जोड़ पहना है, लहंगा ये पहना है मैंने, और मैं मेरी ग्रीन वाली पोशाक लेके नहीं आई थी, वरना वो आज मेरे काम आ जाती, पिछली बारी तो मैंने दूसरा लहंगा पहन लिया था, आज ये पहना, और गले में कुछ नहीं पहना है, कान के वही डेली वाले रखे, बस मैंने सिर्फ ये रखड़ी बांधी है और चूड़ियाँ चेंज कर ली है, क्योंकि फिर रात को अभी वहाँ जाएंगे फिर लेट हो जाएगा, फिर बंदोली में फिर रेडी होना है, तो मैंने कहा अभी के लिए इतना ही पहनूंगी, फिर रात को कुछ ज़्यादा पहनेंगे। और कन्नू पिनू रेडी हो रही है, चिकू के पापा भी आ गए हैं, वो आ तो गए पर अभी शादी वालों के घर पर वहीं पे वहीं खाना वाना खाया, टीका वगैरह लगवाने गए, और चिकू अभी सोया हुआ है, तो भगवान करे मैं मेहंदी की रस्म पूरी करूँ तब तक वो उठे ना, तो अभी हम चल रहे हैं, बस आ जाए कन्नू पिनू मैं उसका वेट कर रही हूँ, मम्मी और भाई साहब नहीं आ रहे, वो कह रहे हैं अगर शुरू हो जाएगा और हम वो छत धोने का इरादा कर रखा है उन्होंने कि छत गंदी हो रखी है तो वो धोएंगे दोनों, तो आ भी सकते हैं नहीं भी आ सकते दोनों बात है उनका, मुझे अभी कुछ पता नहीं है।
तो फ्रेंड्स अभी मोनिका का मेहंदी फ़ोटोशूट चल रहा है। ये हम लोगों में ना पहले नहीं होता था, हमारी फैमिली में तो ये फर्स्ट दो शादी हुई इसी में हमारे इतना मेहंदी का हल्दी का ऐसे फ़ोटोशो वगैरह कर रहे हैं और ये बाहर इतना डेकोरेशन वगैरह। पहले मेरी शादी मेरे भाइयों की शादी में इतना नहीं था, मतलब नॉर्मली आंगन में ही फ़ोटो वगैरह खींचते थे और उतना ही होता था। जैसे अब इस बार तो घर के बाहर भी कर रहा है यार फ़ोटोशूट भी, मतलब बहुत ज़्यादा लोग फ़ोटोशूट करवा रहे हैं, इतना पहले इतना नहीं था। अब धीरे धीरे गांव में भी शहर वाला रिवाज आ रहा है, वही रस्में होने लग गई जो टीवी में लोग देखते हैं वैसे वैसे करने लग गए। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने जिस गाने पर डांस किया वो गाने नहीं लगा रहे क्योंकि उन पर कॉपीराइट क्लेम आता है, इसलिए तो मैं अपने जो